मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसी जगह आऊँगा, लेकिन मैं आ चुका हूँ। तो सुबह के 10 बज रहे हैं, नज़ारा देखो आप। इसका दिन है 20 दिसंबर 2022। आसमान में कहीं भी सूरज नहीं उगा है, क्योंकि यहाँ 2 महीने तक अब सूरज नहीं उगेगा। और गर्मी में इसका उल्टा होता है कि यहाँ 2 महीने तक अंधेरा नहीं होता है, उजाला ही रहता है। गुड मॉर्निंग, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं हूँ ट्रैवलिंग हिंदी। और आज हम बात करेंगे दुनिया की उस सिटी का जो मैंने बचपन में सुना था कि वहाँ उजाला नहीं होता है। तो ये वैसी सिटी है, रशिया की। ये सिटी का नाम है मोनमार्स, जहाँ ना 2 महीने बिल्कुल सूरज नहीं उगता है। तो आज मैं एक्सप्लोर करूँगा सारा दिन। अभी बज रहे हैं सुबह के 10, और 10 से लेकर 6 बजे तक मैं पूरी सिटी घूमूंगा और आपको दिखाऊंगा। ये ब्लॉग है एक्चुअली मेरे लिए भी स्पेशल है, शायद आपको भी अच्छा लगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसी जगह आऊँगा, लेकिन मैं आ चुका हूँ। तो सुबह के 10 बज रहे हैं, नज़ारा देखो आप। और 10 बजे से लेकर मैं शाम को 6 बजे तक दिखाऊंगा कैसा रहता है, यहाँ धूप नहीं उगता है। चलते चलते घूमते घूमते 1 घंटा हो गया है और ये बज गए हैं 11 सुबह के। फिर भी आप देख लो, आसमान में ना ही तो कोई सूरज है और अंधेरा ही अंधेरा है। चलिए आपसे मिलता हूँ मैं 12 बजे। 2 घंटा घूमने के बाद अब बारी आ गई, 12 बज रहा है दोपहर का, और यहाँ ना धूप का पता है ना उजाले का पता है। और 12 बज गया, तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि यहाँ 2 महीने धूप नहीं उगती है। और आज जो डेट है मैं वो बता दे रहा हूँ आपको, ऐसा मौसम रहता है 2 दिसंबर से लेके जनवरी 15 तक रहता है, लेकिन आज का दिन है 20 दिसंबर 2022। और बाकी आप देखो नज़ारा, ये बज रहे हैं 12, और यहाँ भी धूप तो ना दिखेगी क्योंकि 2 महीना। और फाइनली दोपहर के बज रहे हैं 1। और चलते चलते मैंने आपको सोचा ये बता दूँ, ये वीडियो शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये वीडियो शायद मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस वीडियो रहेगा, कि मैंने अपनी लाइफ में सारा दिन घूमा और धूप नहीं देखा, ये वो सिटी है। तो दिन के दोपहर के 1 बज रहे हैं लगभग, तो फाइनली घूमने के बाद अब बज रहा है 2। और 2 बजे का आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सिटी है ना मोनमार्स, ये नज़दीक है फिनलैंड के, जो लगभग बॉर्डर शेयर करता है। और 2 बज रहे हैं दोपहर के, लेकिन अंधेरा है, किधर भी आपको उजाला नहीं दिखेगा। आपसे मिलता हूँ मैं 3 बजे घूमने के बाद, 1 घंटे के बाद। फाइनली बज गए हैं 3 दोपहर के, और अंधेरा ही अंधेरा है। बज रहे हैं 3, और 4 बजे शायद मैं बस पकड़ के निकल जाऊँ अपने होस्ट के घर की तरफ। देखो आपको आसमान दिखा रहा हूँ मैं, और ये फाइनली बज गए हैं 4। और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैंने बहुत घूम लिया, तो मैं निकल जाता हूँ होस्ट की तरफ। यहाँ से 1 घंटा लगेगा मुझे, और 4 बजे का आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ। आप देख लो, इधर आसमान में कहीं भी सूरज नहीं उगा है, क्योंकि यहाँ 2 महीने तक अब सूरज नहीं उगेगा। और गर्मी में इसका उल्टा होता है कि यहाँ 2 महीने तक अंधेरा नहीं होता है, उजाला ही रहता है। तो ये इस सिटी का खासियत है मोनमार्स। चलो अब बस पकड़ के मैं निकलता हूँ अपने होस्ट के घर, और मिलते हैं आपसे मैं 5 बजे के मौसम में, आपसे मैं मिलता हूँ कि 5 बजे का मौसम कैसा रहता है। तो फाइनली ये शाम के बज रहे 5:15, और मैं बस से आ गया हूँ। मेरे होस्ट का घर ज़्यादा नहीं, 450 मीटर या 500 मीटर या 700 मीटर दूर है। तो मेरे होस्ट का घर यहाँ से 700 मीटर दूर है, तो मैं वहाँ निकल जाऊँगा। और बाकी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, छोटी सी वीडियो रहेगी जो मेरे लिए यादगार रहेगी, कि मैंने सारा दिन घूमा, धूप नहीं देखा, और ये मौसम साल में 2 महीना ही यहाँ रहता है। और बाकी दुआ में याद रखना, और वीडियो में बने हों तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और थोड़ा सपोर्ट करो। चलो
और हाँ, आप देख के जाना, मैं 6 बजे का भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं अपने होस्ट के घर से आपको 6 बजे का मौसम दिखा दूंगा कैसा है। तो गाइस फाइनली आ गया हूँ होस्ट के घर और लगभग बज रहा है, लगभग 6 बज रहा है, ठीक है। तो अब 6 बज रहा है, बाहर का आप नज़ारा देख लो, ये शाम के 6 बज रहे हैं। और चलो, बाकी दुआ में याद रखो, और मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टेड था, मुझे अच्छा लगा, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, कमेंट करके आप ज़रूर बताना।